एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेकिंग कॉमर्स। मैं हूं शिवम सानी एंड मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेके आया हूं वो आपके पास जर्नल्स प्रॉपर के ऊपर है। जर्नल प्रॉपर जो आपकी बुक बनाई जाती है, सब्सिडरी बुक का एक लास्ट हिस्सा है जर्नल प्रॉपर, जो बेचारा कह सकते हो गॉड फादर है, जो सब ट्रांजेक्शंस को जो कहीं नहीं जाती हैं वो यहाँ पे आती हैं, ये उनको सहारा देता है। तो आज की जो वीडियो मेरी इसी के ऊपर है, जर्नल प्रॉपर के ऊपर। ये आपकी लास्ट बुक है सब्सिडरी बुक की, दैट इज़ द सिक्स्थ बुक। सो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अगर आप आगे कंटिन्यू रखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो बनता है एंड साथ में शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो। वो जर्नल प्रॉपर के ऊपर है, ये आपकी लास्ट बुक है जर्नल प्रॉपर बुक। परचेस पढ़ ली, सेल्स पढ़ ली, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न पढ़ ली, अब आती है आपकी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर बहुत ही प्यारी सी बुक है। क्यों प्यारी सी है ये बेटा? ये उन गरीबों को सहारा देती है जिसने किसी को नहीं रखा, मतलब कैश ट्रांजेक्शन वालों ने सिर्फ कैश को रखा, बाकी सबको हटा दिया। सब्सिडरी बुक ने किसको रखा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन वालों को और गुड्स को। मतलब क्या हो गया? जिनके पास घर है, परचेज वालों का परचेज घर हो गया, परचेज रिटर्न का परचेज रिटर्न, जिन सबके पास घर है, जो ट्रांजेक्शन का कोई घर नहीं है उसको सहारा देने वाली कौन सी बुक है हमारी? जर्नल प्रॉपर। जैसे आपको याद होगा कैश बुक हम बनाते हैं, ठीक है? कैश बुक में हम एक कॉलम कैश का बनाते हैं, एक कॉलम बैंक का बनाते हैं। क्या उसमें डिस्काउंट का कॉलम होता है? नहीं है ना। आप एंट्री पास करते हो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, कैश मिला हमें 1000 रुपए का, 500 का डिस्काउंट हो गया, मिस्टर ए से 1500 हो गए। तो जब हम कैश बुक बनाते थे तो कैश बुक हम सीधा लिखते थे, टू ए लिख दिया, अमाउंट कितनी लिखी थी 1000 रुपए, क्योंकि हमें सिर्फ कैश से मतलब था, डिस्काउंट को हम इग्नोर मार देते थे। अब तुमने इसको तो उसका घर दे दिया, तुमने इसको धक्का मार दिया, बाहर निकाल दिया, ये कहाँ जाएगा बेचारा? ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। मींस जिसका कोई नहीं है ना, उसका गॉडफादर कौन है? जर्नल प्रॉपर सब्सिडरी बुक का। मतलब जो कहीं नहीं जाता, ना कैश बुक में, ना परचेज में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स में, ना सेल रिटर्न में, वो सारा सारा कहाँ आएगा? वो सब कुछ यहाँ पे आएगा जर्नल प्रॉपर में। तो ये ध्यान रखना, जो कैश की एंट्रीज हैं उसमें जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करा जाता है। तो जर्नल प्रॉपर की कहानी में अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखते हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी कहानी है जो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। सबसे पहला आता है मार्च 1st को परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर फॉर 15000 रुपए। सो मार्च 1, सो एंट्री क्या हो गया आपके पास? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबेर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबेर फर्नीचर हाउस, कितने रुपए का हो गया हमारे पास? 15000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा। नरेशन बेटा आप लोग लिख ही लोगे मेरे हिसाब से, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, पर लिख जरूर लेना, सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाली चीज है नरेशन ही होती है। गुड्स फॉर रुपीज 6000 गिवन अवे एज चैरिटी, तो चैरिटी में अगर आपने गुड्स दे दिए तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सीजीएसटी कहीं बोला नहीं है इसलिए मैं लगा नहीं रहा हूं। फिफ्थ के बाद नेक्स्ट आती है ट्वेल्थ वाली, गुड्स वर्थ रुपीज 8000 एंड कैश रुपीज 4000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। तो देखो बेटा आपके ये कैश वाला जो कैश 4000 रुपए का चोरी हुआ है, तो यहाँ पे आने से रहा, क्योंकि कैश कहाँ जाएगा? कैश बुक में। यहाँ पे सिर्फ किसको हम रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स को। तो एंट्री क्या हो रही है आपके पास? लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और नीचे नोट बना के लिखोगे दैट कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इन कैश बुक, विल नॉट कम्स इन योर जर्नल प्रॉपर। 8000 रुपए के गुड्स चोरी हुए थे, 12 तारीख के बाद फिर नेक्स्ट एंट्री आती है 15 तारीख की,
अरुण हु ओड अस 20,000 वर डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट नथिंग वुड बी रिसीव्ड, तो अरुण से पैसा नहीं मिलने वाला है, पैसा डूब चुका है, तो ये हो गया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अरुण। कितने रुपए डूब चुके हैं? 20,000 रुपए डूब चुके हैं। राइट, देन आता है प्रोप्राइटर विड्री फॉर पर्सनल यूज कैश 5,000 एंड गुड्स वर्थ 10,000। अगेन कैश वाली ट्रांजेक्शन पे गोज टू कैश बुक, तो यहां पे नीचे आएगा नोट, छाप देना 2,000 रुपए का। 15 तारीख के बाद 18th वाली, लेकिन गुड्स की तो हमें एंट्री पास करनी पड़ी कि डैट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कितने की हमने ड्रॉइंग्स करी है? 10,000 रुपए की करी है। एटीन के बाद आता है 31 की एंट्री, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,00,000 रुपीज के ऊपर एट 6% फॉर द फुल ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना, कितना परसेंट है? 6% है। तो 30,000 रुपए का आपका आईओसी हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 31 के बाद फिर अगेन 31 की एंट्री है, रेंट पेड दिस ईयर 5,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो प्रीपेड रेंट हो गया, तो सो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितने रुपए का आपका हो गया? 5,000 का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 31st मार्च की एंट्री आती है, सैलरी इज ड्यू टू क्लर्क 12,000 रुपए, 12,000 रुपए की सैलरी हमें देनी है क्लर्क को, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपए से पोस्टिंग कर दोगे। नीचे नोट बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, दो ट्रांजेक्शन ऐसी हमारे पास थी जो कैश वाली थी, तो उसमें जरूर मेंशन करिएगा कि इस डेट वाली ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रही है, बिकॉज वो कैश बुक में जाएगी। जैसे हम वहाँ पे लिखा करते थे, परचेज बुक में नोट बना के लिखा करते थे कि ये ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर की है, ऐसे जिस टाइम पे जनरल प्रॉपर की बात होगी तो वहाँ पे भी ये लिखेंगे। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो जनरल प्रॉपर के ऊपर है, ये आपकी 5th टाइप की बुक है। अगर कैश बुक काउंट करोगे तो ये 6th टाइप की बुक आपकी हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हम चैप्टर खत्म कर देते हैं सब्सिडियरी बुक का, बाकी इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस करने हैं। जो आगे के क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक क्वेश्चन में ही सारी बुक्स बनानी है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना आराम से बन जाएगा, उसमें से कुछ खास नहीं। पहले देखो ट्रांजेक्शन पढ़ना, क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन रीड करके उसके आगे मार्क करते रहना कि कौन सी ट्रांजेक्शन किधर जा रही है। जो ट्रांजेक्शन परचेज की उसको परचेज बुक में लिख देना, जो ट्रांजेक्शन सेल्स की उसको सेल्स बुक में, सारी बुक्स बना लेना। जो ट्रांजेक्शन रह जाएँ उसके लिए हमारा जनरल प्रॉपर बैठा है गॉडफादर, वो तो सबको वेलकम करते ही है, जो किधर नहीं जाएगा वो रैन बसेरे में आएगा। सो क्लियर विद द चैप्टर सब्सिडियरी बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स, अपना प्यार अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते रहिए एंड लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिए अगर आप लोग को लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल हैं, स्पेशली जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स, ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा।